हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ का पार्ट टू, जो कि रिलेटेड है आपका विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन कौन सी स्कीम्स देखने वाले हैं जो कि विमेन से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना, ऋण योजना, छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना, कौशल मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ नोनी सशक्तिकरण योजना और मिनी माता कन्या विवाह योजना। अब विमेन्स के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है स्कीम्स बनाने की? ठीक है, फॉर देयर सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है, सेल्फ रिलायंट एंड टू प्रोवाइड देम इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्कीम्स बनाने की, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह हैं अभी भी जहाँ पर विमेन्स को इक्वल नहीं समझा जाता है। और हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो भी विमेन्स का एज़ कम्पेयर टू मैन कम है। इस वजह से ज़रूरत पड़ती है हमको विमेन्स के लिए स्कीम्स बनाने का, टू मेक देम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। सो आपकी फर्स्ट स्कीम जो देखेंगे हम वो है छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना। अब नोनी मतलब होता है छत्तीसगढ़ में डॉटर्स को या लड़कियों को कहा जाता है नोनी। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल चाइल्ड हु इज बॉर्न आफ्टर फर्स्ट ऑफ मार्च 2014। ठीक है, तो जो लड़कियां फर्स्ट मार्च 2014 के बाद पैदा हुई हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कंडीशंस क्या क्या है इस स्कीम की? वो बच्ची जो है वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए और एटलीस्ट 12th पास आउट हो। ये जो स्कीम है ये ओनली एप्लीकेबल है घर एक फैमिली के सिर्फ दो लड़कियों के लिए। ठीक है, इसमें प्रोविजन क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उन लड़कियों को 1,00,000 रुपीज आफ्टर 18 ईयर्स। वो जो मनी है वो उनके मैरिज के लिए, उनके फर्दर एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। एप्लीकेशन करने की का टाइम होता है, जब तक बच्ची 1 साल की होती है तब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई वजह से आप एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं तो आप रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एप्लीकेशन दे सकते हैं। और या फिर कोई बच्चे जिसके माँ बाप नहीं हैं या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर एक्सपायर हो गए हैं तो 5 ईयर्स के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन देके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक है आपका ऋण योजना। ऋण मतलब होता है लोन। ठीक है, ये आपके विमेन्स के लिए बनाया गया है टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। जो विमेन्स होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। फर्स्ट स्टेज में उनको प्रोवाइड किया जाएगा 1,00,000 से 2,00,000 रुपए। ठीक है, पहले ये जो स्कीम थी वो 50,000 रुपये प्रोवाइड कर रही थी, बट लास्ट ईयर के बजट में इसको बढ़ा करके 1,00,000 से 2,00,000 कर दिया गया है। और सेकेंड स्टेज में अगर ये फर्स्ट स्टेज का सक्सेसफुली वो लोग रीपेमेंट कर देते हैं तो जो सेकेंड स्टेज होगा उसमें उनको एलिजिबल रहेंगे वो 2 से 4 लाख रुपए के लोन के लिए। ठीक है, अर्लियर ये जो अमाउंट था वो था 1,00,000 रुपए। अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना। शक्ति स्वरूपा सब समझते होंगे कि हम लोगों के यहाँ पर शक्ति स्वरूपा मतलब गॉडेस के नाम से जाना जाता है, तो उसके नाम पर इस स्कीम को रखा गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2021 को और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडोज, डाइवोर्स वुमेन, शेल्टरलेस एंड हेल्पलेस वुमेन। जो ऐसी औरतें हैं, जो विधवा औरतें हैं या जिनका डिवोर्स हो गया है, जिनके पास घर नहीं है और बेसहारा औरतें जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें या फिर कोई स्किल्स डेवलप कर सकें अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी वेमेन अप्लाई कर रही है वो 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए, या तो फिर उनकी जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 60,000 होनी चाहिए। इसमें प्रोविजन क्या है? 15% आपका टोटल कॉस्ट का जो अमाउंट है उसका 15% आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर मैक्सिमम 30,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो औरतें जिनको बिजनेस के लिए ट्रेनिंग चाहिए उनको 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौशल मातृत्व योजना। इसको स्टार्ट किया गया था 8th मार्च 2022 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के
दिन इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, आपको 5,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंड गर्ल बॉर्न चाइल्ड के लिए। अगर घर पर दूसरी बेटी होगी तो उसको 5,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज अभी भी हमारी सोसाइटी में अगर दूसरे बार भी लड़की पैदा हो जाती है तो लोग खुश नहीं हो सकते हैं, होते हैं कि वो लड़कियों को बर्डन समझते हैं, इसलिए 5,000 रुपये उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उनकी लिविंग के लिए और एजुकेशन के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम होगा। अब नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ नोनी सशक्तिकरण योजना। ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है अंडर लेबर डिपार्टमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है जो वर्कर्स हैं उनकी बेटियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए या फिर उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब इसका प्रोविजन क्या है, जो वर्कर्स हैं उनकी डॉटर्स को 20,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, जो डॉटर्स हैं उसकी 18 से 21 साल के बीच की होनी चाहिए और अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। जो एप्लीकेंट है वो रजिस्टर होना चाहिए एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर 1 ईयर। जो डॉटर्स हैं वो एटलीस्ट 10वीं पास होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए और उन्होंने मिनी माता कन्या विवाह योजना का बेनिफिट ना लिया हो तो ही वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिनी माता कन्या विवाह योजना। तो ये क्या है, समझ आ रहा है नाम से, कन्या विवाह योजना मतलब लड़कियों की शादी के लिए ये स्कीम है। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है, लड़कियों की शादी के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। कितने रुपए का, 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये आपको क्या सिंपल मैरिज को प्रमोट करता है और डाउरी सिस्टम को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो लड़कियाँ होंगी वो BPL फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए और शादी की एज क्या होती है, 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर, तो 18 साल की होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। और सिमिलरली जैसे कि हमने बाकी स्कीम्स में देखा, ये बेनिफिट जो है स्कीम का वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली की 2 लड़कियों को ही मिलेगा, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कीम्स, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स अबाउट द वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम स्कीम्स देखेंगे अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स देखेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।